नागरिकता कानून को लेकर 20 दिसंबर को हुए छिटपुट बवाल के बाद 27 दिसंबर को जुमे की नमाज के दृष्टिगत जिले के आला अधिकारी काफी चौकस दिखे। मंडलायुक्त जयंत नालिकर, एडीजी रेंज जय नारायण सिंह, जिलाधिकारी के विजय पांडियन, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता सहित अन्य अधिकारी संवेदनशील स्थलों पर भ्रमणशील रहे और स्थिति पर नजर बनाए रखे, जिससे घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। फिलहाल जिला प्रशासन की मुस्तैदी से कोई भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है, फिर भी पुलिस और जिला प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, जुमे की नमाज के पहले ही पूरे शहर में सभी थाना क्षेत्रों में एसपी सिटी साहब और जॉइंट मजिस्ट्रेट और अनुभव आईएएस प्रोबेशनर के साथ और विकास आईपीएस प्रोबेशनर के साथ हम लोगों ने विभिन्न थानों में शांति समिति की बैठक आयोजित कर ली थी और सभी समुदाय के लोगों ने ये एश्योरेंस दी थी कि जुमे के दिन किसी भी प्रकार की शांति भंग नहीं होगी। फिर भी एहतियात के तौर पर पुलिस बल की तैनाती सब जगह कर ली गई थी और लगातार पुलिस भ्रमण पर थी और किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना संज्ञान में नहीं आई है और ये गोरखपुर की अमन चैन शांति बरकरार है और इसे किसी भी हालत में बंद या नष्ट नहीं होने दिया जाएगा।